हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे हैं ओम चैनल। अगर आपने सृष्टिखंड 2 नहीं देखा तो वो देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो है सृष्टिखंड 3 रुद्र संहिता में सृष्टिखंड है तो उसका थर्ड पार्ट है। तो इसका मतलब शिवपुराण पार्ट 4 में रुद्र संहिता और उसमें सृष्टिखंड का थर्ड पार्ट है ये वीडियो। तो स्टार्ट करता हूँ। तो अब आगे ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी को प्रणाम किया और उनके आदेश को शिरोधार्य करने का निश्चय व्यक्त किया। इस पर शिव जी संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय से लोक में लिंग पूजा प्रचलित है। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा को अपनाया और उसके बाद अन्य लोगों ने। सुत जी बोले कि प्रतिष्ठित लिंग की सविधि उपासना रिद्धि सिद्धि देने वाली है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शिव के अंग रूप है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से रुद्र की श्रेष्ठता का आधार स्वयं शिव रूप में है। मुनियों ने सुत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने शिव पूजन की विधि बताने का अनुरोध किया। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सुत जी बोले कि ब्रह्मा जी से नारद ने, अपमन्यु से कृष्ण ने और सनत कुमार से व्यास जी ने यही प्रश्न किया। उन लोगों ने शिवलिंग की पूजा का जो विधान वर्णित किया है उसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रत्येक शिव भक्त को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शिव गुरुदेव और तीर्थों का स्मरण करता हुआ शिव स्त्रोत्र का पाठ करे। दक्षिण दिशा में जाकर नित्य कर्म संपन्न करके हाथ पैर मिट्टी से धोकर साफ करें। इसके बाद स्नान करके गणेश जी की पूजा करें और फिर शिवलिंग की स्थापना करके 3 बार प्राणायाम करें और 3 बार आचमन करें। त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र का उच्चारण करके शिव जी का ध्यान करें और फिर प्रणव मंत्र से शरण्यास करते हुए शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। भक्त को चाहिए कि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह सहस्त्र जल धारा से शिवलिंग को स्नान कराए, फिर चंदन और पुष्प आदि अर्पित करके वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करता हुआ अपना प्राणाम निवेदन करे। अंजलि में पुष्प लेकर आपातकाल होने की प्रार्थना करे और इस प्रार्थना के साथ ही शिवलिंग पर फूलों की वर्षा करे। अपने अपराधों की क्षमा याचना के लिए आचमन करे। उसके उपरांत प्रसन्न मन से व्यापार आदि करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करे। पूर्व समय की बात है कि ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोग गए। विष्णु जी ने देवताओं के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यह ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए। उनके इस प्रश्न के उत्तर में विष्णु जी बोले कि भगवान शंकर सब दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए वे ही सेवियर है। शिव जी की पूजा से मनुष्य के सभी दुरित नष्ट होते हैं और उससे सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। विश्वकर्मा ने विष्णु जी के आदेश से और विभिन्न देवताओं के अनुरोध पर अनेक देवों को प्रदान करने के लिए अनेक शिवलिंगों की रचना की और उन्हें विभिन्न देवताओं को दे दिया। इंद्र के लिए पद्मराग मणि खचित, विश्वदेव के लिए रजतमय, कुबेर के लिए स्वर्णमय, अश्विनी कुमार के लिए पीतल का, नाग के लिए चंदन का, धर्मराज के लिए पीतमणि का, लक्ष्मी के लिए स्फटिक का, छाया के लिए मृतिकामय, वरुण के लिए श्याम वर्ण का, आदित्य के लिए ताम्रमय, विष्णु के लिए इंदु नील मणि खचित, चंद्रमा के लिए मौक्तिक, यज्ञ के लिए दधिमय, ब्रह्मा के लिए सुवर्णमय और देवी के लिए नवनीतमय लिंगों की करके सब देवताओं को दे दिए। जब सब देवताओं को लिंग प्राप्त हो चुके तब विष्णु जी ने उन्हें फिर कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र उपाय प्रतिमा पूजन है। जिस तरह मूल के सींचने से शाखाएं हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा से सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार विष्णु जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके देवता लोग पुनः अपने धाम लौट आए और निष्ठापूर्वक शिवलिंग की उपासना करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि किन पत्र पुष्पों से शिव जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। कमल पत्र, बेल पत्र, शंख पुष्पी से शिव जी का पूजन लक्ष्मीदायक है। 50 कमल पुष्पों से शिव जी का पूजन रोग निवारक है और 1,000 कमलों से की गई पूजा भार्यादायक है। जो व्यक्ति मुक्ति का इच्छुक है उसे कुसा से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और जिसे आयु की इच्छा है उसे दुर्वा से तथा पुत्र के इच्छुक को धतुरे से शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुनाश का फल पाना चाहता है उसे शिव जी की पूजा आग
के फूलों से करनी चाहिए और प्रताप का इच्छुक भी आग के फूलों से शिव जी की पूजा करे। कनेर के फूलों से की गई पूजा दरिद्रता दूर करने वाली होती है तथा हर सिंहार से की जाने वाली पूजा सुख समृद्धि दायक होती है। शत्रु नाश के लिए जिसमें शत्रु की मृत्यु अमिष्ट हो वहाँ राई के फूलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। केतकी और चंपा पुष्प शिव की पूजा के विधान से बहिष्कृत है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव जी की अंतर्हित हो जाने के बाद के वृतांत को जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया तथा सृष्टि रचना पर विचार किया। हंस और वराह का रूप धारण करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए नारद जी की जिज्ञासा का समन करते हुए ब्रह्मा जी बोले कि हंस की गति ऊपर जाने की निश्चल होती है और शीर नीर जैसी विवेक बुद्धि तत्व अतत्व के ज्ञान में जैसी हंस की होती है वैसी किसी और पक्षी की नहीं। हंस ही ज्ञान और अज्ञान के निर्धारण में सर्वाधिक सक्षम है, इसलिए मैंने हंस रूप धारण किया। वराह की नीचे जाने की निश्चल गति होती है, अंतः विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। इसके बाद नारद जी को सृष्टि रचना के विवरण से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के अंदर ही तो जाने पर विष्णु जी ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए और उस समय मैंने शिव और विष्णु को प्रणाम करके सबसे पहले जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया, वह फिर विराट हो गया। उस विराट अंडे में चैतन्य लाने के लिए मैंने 12 वर्ष तक तप किया। उसके फलस्वरूप विष्णु जी ने उस अणु के अनंत में प्रविष्ट होकर उसे चैतन्य दिया।